Yeah. From the BART train to a tour bus. Still the same game, except I'm pulling more sluts, more butts, more butts. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दिस इज़ सोनू अहमद और वेलकम करता हूं मैं आप सब भाइयों का आज की इस वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एहसास अहमदाद प्रोग्राम के कुछ थोड़े से जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एक तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक जिनको पेमेंट नहीं मिल सकी है, उसकी दो वजूहत हैं। वो एक ये है कि उनकी जाँच पड़ताल अभी तक नहीं हुई है, और दूसरे वो लोग हैं जो लोग लंबी लंबी लाइनों में लग कर वहाँ पर गए हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बारी आती है तो उनको पता चलता है कि उनके जो थंब इंप्रेशन उनका जो बायोमेट्रिक है वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर वो कहते हैं कि पहले आप नादरा में जाके अपना जो बायोमेट्रिक है वो वेरीफाई करवाएं। लेकिन नादरा के ऑफिसेज वगैरह बंद थे, जिसकी वजह से लोग अपने बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते। तो यार पहले तो ये सीन था कि नादरा ने ऐलान किया था कि वो 27 को अपने दफातर वगैरह ओपन करने लगे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो अपने दफातर वगैरह ओपन नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी पेमेंट लेने में बहुत सारी दुश्वारी पेश आ रही है। लेकिन अब एक गुड न्यूज है उन तमाम लोगों के लिए कि नादरा ने अपनी एक SMS सर्विस मुतारफ करवा दिया है। इससे पहले मैं आप दोस्तों को सर्विस के बारे में बताऊं और आप लोगों को कंप्लीट वे बताऊं कि आप लोग कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो घर बैठे ही। आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो मेरे तमाम भाइयों को आसानी से मिल सके। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये टॉपिक। तो फ्रेंड सबसे पहले तो वो कैटेगरी जिन लोगों को इशू आ रहा है कि उनकी जांच पड़ताल ही अभी तक चलती जा रही है, उनके लिए नादरा वालों ने अपनी एक SMS सर्विस मुतारिफ करवाई है। उस सर्विस के लिए आप जस्ट लोग आप लोग सर्च कर सकते हो। वैसे तो आपको मैं यहां पर भी वो नंबर दिखा देता हूं, लेकिन अगर आप लोग खुद भी सर्च करना चाहते हो तो सिंपली आप गूगल पर जाओगे और वहां जाकर आप लोग टाइप करोगे नादरा SMS सर्विस, और आपके पास नीचे उनकी वेबसाइट आ जाएगी। ये नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने SMS के चार जो वे हैं वो नजर आ रहे हैं। यहां पर आपके पास चार SMS सर्विसेज नजर आ रही हैं। ये चारों की चारों सर्विसेज आपके काम में नहीं आने वाली हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस पर क्या SMS करना है और आपको क्या रिप्लाई आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहां पर आप देख सकते हो, इन्होंने इनके बारे में बताया हुआ है कि 8500 जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जो कार्ड मिल रहा था ये उसके लिए, अगर आप लोगों ने उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली अपना नाम और ID कार्ड नंबर लिख के आप 8500 पे SMS कर दो तो आपका जो हेल्थ कार्ड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो नीचे जो हमारे काम की चीज है वो है 7000, इस पर SMS करके आपकी जो सिटीजन वेरिफिकेशन है वो आपको इस पे मालूम होगी, यानी कि वो लोग जिन लोगों को मैसेज आ रहा है कि उनके क्वाइफ की जांच पड़ताल चल रही है और वो जांच पड़ताल अभी तक उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो लोग सिंपली अपना नाम और अपना जो ID कार्ड नंबर है उसको 7000 पर अगर वो मैसेज कर देते हैं तो नादरा की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जांच पड़ताल कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई, आपकी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपके क्वाइफ इसके अहल है या नहीं है, ये कंप्लीट डिटेल आपको इस SMS के थ्रू मिल जाएगी। अब इसके नीचे आपको एक नंबर नजर आ रहा है वो है 8400 का, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के थंब इंप्रेशन जो हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। उन लोगों के लिए दो गुड न्यूज हैं, एक सिंपल अगर आप घर बैठे जानना चाहते हैं तो सिंपली आप अपना नाम और ID कार्ड नंबर जो है वो आप इस पर सेंड कर दें तो आपके जो थंब की वेरिफिकेशन है इसके मुतालिक जो मुकम्मल डिटेल है वो आपको नादरा फ्राम कर देगा। दूसरा ये है कि एक दो दिन के अंदर नादरा के दफ्तर वालों ने दोबारा से ऐलान कर दिया कि वो नादरा के ऑफिस वगैरह ओपन कर रहे हैं। सिंपल सा छोटा सा काम है, जस्ट आप लोग वहां पर जाइए और जाने के बाद आपको फ्री में एक फॉर्म मिलता है और उसके बाद आप लोगों ने जाना है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वालों के पास, वो वहां जाकर आप दोनों हाथों की उंगलियां हैं उनको एक बार दोबारा से स्कैन कर लेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन वाला वो सॉल्व हो जाएगा और सिंपली आप जाके अपनी जो पेमेंट है वो आप हासिल कर सकते हैं। जिन जिन दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रही है एक वेरिफिकेशन की और क्वाइफ वाली, मेरे हिसाब से वो आप लोग घर बैठे इनके ऊपर SMS करके इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका तरीकाकार एक बार बता देता हूं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट अपने SMS में जाना है और यहां पे कंपोज SMS में जाने के बाद आप लोगों ने यहां पर लिखना है अपना नेम और उसके बाद आप लोगों ने अपना ID कार्ड नंबर लिख देना है। ये मैं कोई भी ID कार्ड नंबर इंटर कर रहा हूँ, वैसे मैं इसको यहाँ पर ब्रल कर दूंगा। खैर यह ID कार्ड नंबर लिखना है और जस्ट ऊपर आपने लिखना है 7000 और आपने इसको मैसेज सेंड कर देना है जस्ट, और आपको नादरा की तरफ से जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका जो भी सलूशन है वो आपको बजरिया SMS बता दिया जाएगा घर बैठे ही इजीली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर मैसेज कर रहे थे कि उनको क्वाइफ की वेरिफिकेशन का मैसेज आया और उसके बाद कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है, और बहुत सारे लोगों को थंब इंप्रेशन
रिग्रेशन वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था, वेरिफिकेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के तमाम भाइयों को बता दिया जाए। तो उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, आप लोगों के कुछ काम आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज सोना अहमद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।